Subscribe to my YouTube channel SuperPrincessjo and hit on that bell icon to see all my latest videos first. Hey guys, नमस्ते. मेरे YouTube चैनल सुपर प्रिंसेस जो पे आपका स्वागत है. आज मेरा मन बहुत ही पीला पीला है. मतलब मेरे नेल्स भी पीले हैं और मेरे हाथ में जो है वो भी पीला है. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नींबू के बहुत सारे फायदे. जी हाँ, नींबू वैसे तो बहुत ही खट्टा होता है. सारे ही चाट और चटपटे खाने में डाल दो तो बहुत ही अच्छा स्वाद देता है. पर क्या आपको मालूम है, इसको खाने के अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने किचन से निकाल के अपने बाथरूम में ले जा सकते हैं और अपने आप को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए. छोटी सी बेल है उसे भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए. नींबू में बहुत सारे ही कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स और पोटेशियम होते हैं जो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं. सबसे पहला यूज जो आप लेमन से कर सकते हैं, आप अपने लेमन को लीजिए, इसका नींबू कम्प्लीटली, जो नींबू है इसका पूरा रस निकाल लीजिए, नचोड़ लीजिए, जो छिलका बचा है उसे उल्टा कर लीजिए और उस छिलके को अपने दांतों पे रगड़ लीजिए और 1 मिनट तक छोड़ दीजिए. उसके बाद पानी से गार्गल कर लीजिए. ऐसा दिन में एक बार रोज करने से आपके दांत सफेद हो जाएंगे, आपके मुंह में अगर कोई भी बास या गंध आती है वो निकल जाएगी. जो दूसरा तरीका है नींबू यूज करने का वो ये है कि जब भी आप प्याज काटे या लहसुन काटे या मछली बनाए या कोई भी गंध वाली चीज टच करें तो अगर आपके हाथों से जो गंदी स्मेल आ जाती है, आप फटाफट एक नींबू काटिए, उसका रस अपने हाथ में नचोड़िए, अपने हाथ में रगड़ लीजिए और आप देखेंगे कितनी जल्दी आप फ्रेश हो जाते हैं और जितनी भी स्मेल आपकी उंगलियों से आती है वो बंद हो जाती है. तीसरा तरीका है लेमन यूज करने का अपने बालों को लाइटन करने के लिए. जी हाँ, नींबू एक नेचुरल स्किन एंड हेयर लाइटनर है. अगर आप बहुत ही लंबे वक्त तक लगातार नींबू यूज करेंगे तो आपके बाल थोड़े से हल्के हो जाएंगे. जैसे कि अगर आपके बाल डार्क ब्राउन हैं तो वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे और काले हैं तो उनमें हल्का सा सुनहरापन आ जाएगा. लेकिन ये सिर्फ एक या दो बार करने से नहीं होगा. आप रेगुलरली नींबू को एक मग्गे पानी में डालिए, रोज इस पानी को अपने बालों में डालते रहिए. कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में हल्का सा सुनहरापन आ जाता है. तीसरी चीज है जो आप लेमन से कर सकते हैं या कि नींबू से कर सकते हैं वो ये है कि आप इसे अपने दाग धब्बों के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. आप नींबू को, अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्ने और पिंपल है और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा कील मुहासों से भरी हुई है और बहुत ही ज्यादा ऑयली है जिसमें तेल आता ही रहता है, जो ऐसे करने से 2 किलो तेल हमेशा आता रहता है, वैसी ऑयली स्किन के लिए नींबू बहुत ही फायदेमंद है. आप नींबू का रस लेके कॉटन से अपने फेस पे लगाइए, हल्की सी बर्निंग जरूर होगी पर रोज एक बार दिन में ऐसा करने से 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके जो फेस पे ऑयलीपन है वो बहुत कंट्रोल में आएगा, आपकी स्किन में से ऑयल निकलना कम होगा और आपकी स्किन काफी ही ड्राई होगी. दूसरा ये है कि कील मुहासे या फिर पिंपल और एक्ने वाली स्किन पे नींबू का रस लगाने से पिंपल और एक्ने बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि नींबू एंटीबैक्टीरियल है. ये कीटाणुओं को जड़ से मारता है और अगर आपके एक्ने और पिंपल में जरा सी भी पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है या फिर छोटे बच्चों को मुहासे हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों को अगर घमौरियां निकल आती हैं या बदन में कहीं पे भी कुछ भी पिंपल वगैरह निकल आते हैं, आप तो नींबू का रस डायरेक्टली वहां पे लगाइए और बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी आपको. अगर आपके नाक के ऊपर बहुत सारे ब्लैक हेड्स हैं तो नींबू का रस ब्लैक हेड रिमूविंग में भी बहुत मदद करता है. आप कॉटन या टिश्यू पे नींबू का रस लेके अपने ब्लैक हेड्स पे लगा के छोड़ दीजिए. 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो बहुत आसानी से ब्लैक हेड ढीले कर देता है. फिर आप एक टूल से, ब्लैक हेड रिमूवल टूल से अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं. अगर आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे या झाइयां हैं तो आप खीरे के रस में नींबू का रस इक्वल मात्रा में मिला के अपनी आंखों पे लगा सकते हैं कॉटन से, और रोजाना आधे घंटे के लिए ऐसा करने से आपकी आंखों के आसपास के काले दाग धब्बे फेड हो जाते हैं.
और अगर आपके नेल्स बहुत ही कमज़ोर हैं, छोटे हैं, उगते नहीं हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं जो टूट जाते हैं, तो अपने नाखूनों को लंबा और तंदुरुस्त बनाने के लिए ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी तेल आपके घर में है, एक चम्मच ऑलिव ऑयल में आधे नींबू का रस मिला के अपने नेल्स पे लगा के छोड़ दीजिए और आधे एक घंटे के बाद अपने हाथ धो लीजिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके नेल्स बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, टूटना बंद कर देंगे और बहुत ही जल्दी लंबे और शाइनिंग भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे। अगला जो तरीका है नींबू यूज़ करने का वो ये है कि अगर आपको डैंड्रफ है, ड्राई स्काल्प है और इचिंग है, जो कि बहुत ही कॉमन हेयर प्रॉब्लम है, अगर बालों में थोड़ा सा भी पीएच का लेवल ऊपर या नीचे हो जाता है, ये सब तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो ये नींबू आपके बालों के और स्काल्प के पीएच को बैलेंस करने में भी मदद करता है। एक नींबू का रस नचोड़ के उसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और एक चम्मच हनी मिला के, शहद मिला के थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप अपने बालों पर अगर लगा के 20 मिनट के बाद अगर आप इसे धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम और जो खुजली और इचीनेस की प्रॉब्लम है वो कितनी ही जल्दी रिलीफ मिल जाती है। मुझे पता है डैंड्रफ और इचीनेस से बहुत ही अनइजीनेस होती है आपके बालों में, और अगर आपका स्काल्प हेल्थी नहीं होगा तो आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होगी और आपके बाल लंबे और घने भी नहीं होंगे। तो इसलिए नींबू को अपने हेयर मास्क में, जिसमें तेल और थोड़ा शहद हो, उसमें मिक्स करके अपने स्काल्प पे लगाइए और देखिए कितनी जल्दी आपका स्काल्प हेल्थी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग है और आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको फेस वॉश आसानी से नहीं मिलते हैं या महंगे हैं, या फिर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है, जैसा कि मुझे भी पसंद है, मुझे एवरी नाउ एंड देन नेचुरल रेमेडीज़ का चस्का चढ़ जाता है और मुझे सब कुछ नेचुरल करना पसंद है, तो आप नींबू को एक नेचुरल क्लिंसर यानी कि फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी में या कि बेसन में नींबू का रस मिला के अपने फेस को धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किचन से थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें उतना नींबू का रस डालिए जितना बस उसको गीला करने में ज़रूरत हो, या फिर आप अपने किचन से थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें भी उतना ही नींबू डालिए जो उसको गीला करने में मदद करे, फिर उस बेसन या मुल्तानी मिट्टी से अपने फेस को क्लिंस कीजिए, धोइए। वो आपके स्किन के पोर्स को अंदर डीप डाउन से क्लिंस करता है। नींबू आपकी स्किन को ब्राइटन करने में भी मदद करता है, नेचुरल या फिर प्राकृतिक सौंदर्यता लाने में मदद करता है, प्राकृतिक चमक लाने में भी मदद करता है, और अगर आपके स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, ये सब टाइप की प्रॉब्लम्स है तो वो भी ठीक करने में मदद करता है। नींबू आप आसानी से एक नेचुरल फेस वॉश या क्लिंसर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ नींबू के इस्तेमाल के लिए, ये बहुत ही अच्छा स्किन लाइटनर है। अगर आपको प्रॉब्लम है आपके अंडर्स का, अंडर आर्म्स के डार्कनेस की, अगर आप रेजर यूज़ करते हैं या वैक्सिंग यूज़ करते हैं, या फिर नेचुरली ही आपके अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं, या फिर आपके एल्बोस डार्क हो जाते हैं, नीज डार्क हो जाते हैं, या फिर आपके नकल्स डार्क हो जाते हैं, इसका मतलब आपके घुटने, एड़ियाँ, अंडर आर्म्स यानी बगले, या फिर आपकी उंगलियों के जो ये पोर्शन है, ये अगर आपके काले हो जाते हैं या फिर आपके मुंह के आसपास कालापन ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही अनइवन लगती है और आपको प्रॉब्लम होती है एक शेड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फाउंडेशन या पाउडर खरीदने में, तो नींबू के रस को आप इन प्रॉब्लम जगह पर लगाइए, रेगुलर यूज़ करेंगे, रोज़ 30 मिनट तक नींबू का रस डायरेक्टली अपनी स्किन पे अगर आप लगाएंगे तो एक हफ्ते से 10 दिन में आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी लाइट हो जाती है और ये अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बार जब भी आप मार्केट से नींबू लाएंगे तो खाने से पहले उसके अलग इस्तेमाल के बारे में ज़रूर सोचेंगे। इस वीडियो के अपने फ्रेंड्स, फैमिली और गर्लफ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी मम्मियों को भी बताइए। और आपको नींबू का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक फ्रेश मार्केट से लिए हुआ नींबू की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किचन में कोई नींबू है जो पुराना हो जाता है, यानी कि ब्राउन रंग का हो जाता है, थोड़ा सा सूख जाता है, जो मम्मी लोग खाने में यूज़ नहीं करते हैं, वो नींबू और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका सिट्रिक परसेंटेज और भी ज़्यादा होता है, वो इस नींबू से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगली बार अपने ब्राउन नींबू को फेंकिए मत, उसे अपने स्किन केयर और हेयर केयर में यूज़ कीजिए और छुपा के अपने बाथरूम में
रख लीजिए और देखिए कि इन सौंदर्य टिप्स का यूज करके आप कितने जल्दी सुंदर लग सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और अगर आपको भी मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक खट्टा सा नींबू जाके चक्के आइए और एक खट्टा खट्टा कमेंट ज़रूर नीचे लिखिएगा, खट्टा खट्टा नहीं मीठा कमेंट नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।